जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलो, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जैसे अभी कमेंट करने लगे कि सर आपने बोला था कि मार्च के फर्स्ट वीक में या 10 तारीख के आसपास तक ऐसे जीडी का रिजल्ट आ जाएगा, जो कि नहीं आया है। अभी लगभग आज 9 तारीख हो गई है, 10 तारीख के आसपास का मैंने आपको बोला था कि 10 तारीख के आसपास में एसएससी जीडी का रिजल्ट आ जाएगा, तो अब कब तक आ जाएगा, क्यों नहीं आया, उसके पीछे रीजन। साथ ही बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने पहले ही बोला था कि 15 अप्रैल के आसपास आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे, तो फिजिकल की आपको तैयारी करते रहना। तो बहुत सारे बच्चे जब अब रिजल्ट नहीं आया है तो वो सोच रहे हैं कि फिजिकल में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एसएसजीडी की रनिंग है 5 किलोमीटर की 24 मिनट का समय, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जो फिजिकल वाला चैनल है कमांडो अकेडमी फिजिकल, उस पर जाके एक बार ये वीडियो देखना। 5 किलोमीटर रनिंग में लगभग 100 बच्चे थे जिनमें केवल 50 बच्चे ही रनिंग पास कर पाए थे, और दूसरा ट्रायल था, 100 में से मात्र 50 बच्चे। वो वीडियो आप जाके अच्छे से देखना, और स्पेशली लड़कियों में से तो 25 लड़कियों में से मात्र 8 लड़की ही पास हो पाई। तो आप सोच लीजिए कि रनिंग कितनी हार्ड है, इतना आसान नहीं है। जैसे कुछ आपको आर्मी वाले जो बच्चे मिलते हैं ना, वो बोलते हैं, जब आप उनसे मिलते हो तो वो आपको बोलते हैं 5 किलोमीटर रनिंग आप कर लोगे, वो अपने स्टेमिना के हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि आर्मी की जो बच्चा तैयारी करता है उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल रनिंग है 5 किलोमीटर की रनिंग। वो बच्चा, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 18 मिनट 19 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, वो बच्चे अलग बात है, उन्होंने आर्मी की तैयारी की है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला था कि आपके 15 अप्रैल के आसपास से फिजिकल शुरू हो जाएंगे, वो 100% शुरू हो जाएंगे 15 अप्रैल के आसपास आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे। इसलिए फिजिकल की तैयारी आपको नहीं रोकनी है किसी भी कंडीशन में। हो सकता है कि रिजल्ट में 2-4 दिन और लग जाए, 10 तारीख को नहीं आके जरूर नहीं, एसएससी की खुद की जो डेट होती है वो भी आगे पीछे होती है 2-2, 4-4 दिन। तो हो सकता है 10 को नहीं 11 को आ जाए, 11 को नहीं 12 को, 13 14 तक आ जाए, लेकिन आपका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, आपकी कट ऑफ आने वाली है, और 15 अप्रैल के आसपास आपके फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, और इसको ध्यान में रख के ही आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे अभी अकेडमी में आ रहे हैं, उनकी बहुत सारे बच्चे के आप उस वीडियो में देखना, लगभग 30 बच्चे हैं जो अभी नए आए हैं, जो एसएससीडी रनिंग के लिए स्पेशली आए थे, उनमें से 40-40 मिनट 39-39 मिनट उनको 5-5 किलोमीटर करने में लग रही है। तो आप भी पहले अपनी एक बार टाइमिंग देख लीजिए, अगर टाइमिंग नहीं आती है तो सही समय पर, मैं जरूर ये नहीं कहता कि आप हमारी एकेडमी आके ही तैयारी करो, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो और भी कोई भी एकेडमी में जाके आप तैयारी कर सकते हो, लेकिन फिजिकल की तैयारी अच्छे से करना, नहीं तो फिजिकल पास नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर आपको धूप में भी दौड़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर जिन बच्चों को मेडिकल कराना है, अभी आपने देखा होगा मेडिकल के वीडियो बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, आप भी आ सकते हो, अगर आपके अच्छे नंबर है तो आप अपना मेडिकल टेस्ट करा सकते हो अकेडमी आके, उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो लाडलो, ज्यादा समय नहीं है आपके रिजल्ट आने में, मतलब हो सकता है कि 2-4 दिन और लग जाए, लेकिन आपको तैयारी करते रहना है फिजिकल की। 15 अप्रैल के आसपास से ही आपकी फिजिकल की डेट आएगी, ये आप ध्यान रख लेना चाहिए, कभी भी आए। अब हो सकता है कि ये तो 20 तारीख को दे दे, लेकिन फिजिकल की डेट इसके आसपास ही आएगी, ये ध्यान रखना, ये 100% क्लियर है। तो इंतजार आप कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हो सकता है 2-4 दिन में आपका इंतजार खत्म हो जाए। जय हिंद, जय भारत।